का आयोजन, लखनऊ में इन्वेस्टर समिट का आज होगा आयोजन। 50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर मुहर लगेगी प्रशासन के पास। 25,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, पहले सत्र की अध्यक्षता लखनऊ के डीएम करेंगे। मुख्य सत्र 3-4 के बीच में यह आयोजित होगा। तो देखिए, जीआईएस से पहले जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है जो आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना है। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट का आज आयोजन होगा। 50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर मुहर लगेगी प्रशासन के पास। 25,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव है, पहले सत्र की अध्यक्षता लखनऊ के डीएम करेंगे। मुख्य सत्र 3-4 बजे के बीच होगा आयोजन। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, जीआईएस 2023 जो फरवरी में आयोजित होना है, उसके पहले जिला स्तरीय जो इन्वेस्टर समिट आज आयोजन हो रहा है, किस प्रकार से इसका आयोजन हो रहा है और क्या कुछ अहम बिंदुए हैं इसकी? देखिए बिल्कुल त्रिशला, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले चाहे विदेश दौरों की बात करी जाए, उसी के साथ साथ चाहे देश दौरों की बात करी जाए, आज जिला स्तरीय एक कार्यक्रम हो रहा है। यानी अगर बात करी जाए लखनऊ इन्वेस्टर समिट, इसमें लगभग 50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि 25,000 करोड़ के जो निवेश के प्रस्ताव हैं वो पहले ही मिल चुके हैं। 4 चरणों में आज ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 3 से कह सकते हैं कि 4 बजे के बीच में जो इनका एक मुख्य पाठ है वो आयोजित होगा। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि यूपी की जो प्रोत्साहन नीति है उसको लेकर चर्चा करी जा सकती है, और उसी के साथ साथ तमाम अन्य जो विभाग हैं वो भी इसको लेकर चर्चा कर सकते हैं। तमाम अन्य, वो चाहे अगर उद्योगपतियों की बात कर ली जाए, बुद्धिजीवी की बात कर ली जाए, तमाम लोग आज के इस कह सकते हैं कि जो 4 सेक्शन है उसमें जुड़ेंगे। उसी के साथ साथ किस तरीके से और निवेश को यहाँ पर लाया जा सकता है, किस तरीके से रोजगार से संबंधित हो, किस तरीके से डेवलपमेंट से संबंधित बातों को लेकर आगे चला जा सकता है, और आने वाले समय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब होनी है उसके पहले कितना ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा होनी है। हालांकि फिलहाल 50,000 करोड़ के निवेश को लेकर आज चर्चा होनी है। सुबह से लेकर शाम तक का ये कार्यक्रम आयोजित होगा। अब से कुछ देर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे, राज्य मंत्री महेंकेश्वर सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे, और उसी के साथ साथ सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी वहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में देखा जा रहा है कि कार्यक्रम को किस तरीके से और भव्य बनाया जाए इसको लेकर भी तैयारियां करी गई, लेकिन जो मुख्य फोकस है वो यही है कि निवेश जो है वो ज्यादा से ज्यादा किस मात्रा में बढ़ाया जा सके, लोगों को किस तरीके से उत्तर प्रदेश की नीतियों से जोड़ा जा सके, तमाम इस तरीके के आज जो है वह यहाँ पर चर्चाएं होंगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संदीप। देखिए, एक बड़ी खबर जोशीमठ से जुड़ी हुई सामने आ रही है। खतरे को